फाइनली मुर्गियां हैं बस है जो हमारे गांव की तरफ 100 रुपए का और मजे डलवा दिया, बहुत लग रही थी, सूरज भी इतना अच्छा लग रहा था, बना मैं संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम घर से निकल गए और दुकान की तरफ, हम दुकान पे चलते हैं और नाश्ते के लिए हम अंडा ले लेते हैं, हमने अंडा ले लिया और कुछ और चीज़ें ले ली, तो हम चलते हैं सबसे पहले नाश्ता करते हैं, इसलिए आज का व्लॉग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े वाला होने वाला है। तो हमने पहले ये बिस्किट ट्राई कर लिए थे तो, और उसके बाद हमने अंडा पराठा का वेट किया कि अंडा पराठा आ जाए, हम अच्छी तरह नाश्ता कर सकें। तो हमने अच्छी तरह नाश्ता किया, भाई ने बोला कि सफ़र बहुत दूर है और आप बाइक पे जा रहे हो, तो छोटे भाई ने बोला आप कैप पहन के जाएँ, सर्दी वाली आपको सर्दी नहीं लगी। तो मैंने बोला इसको साइड रखते हैं, और जो नाश्ता किया था उसका टेस्ट तो माशाल्लाह ऐसा था जो अभी तक मेरे मुंह में आ रहा था। और मैं सोच रहा था यार मैंने तो नाश्ता कर लिया, मैं अपने बालों को तो नाश्ता करवा दूँ, मतलब जादू से उनको भी मैंने सेट कर दिया, उनको प्रेस करके और बांध दिया मैंने अच्छी तरह। तो मैंने बोला अब चलते हैं, तो फाइनली भाई भी तैयार होकर घर के बाहर खड़े हुए थे, अपने घर से निकल गया। तो घर से निकलते ही भाई तैयार बैठे हुए थे और एक दोस्त मिल गया, उससे कुछ बातें करके हम निकल गए। सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी पर पेट्रोल डलवा दिया, पेट्रोल कम था इसलिए सफ़र बहुत दूर था, तो हमने 100 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया। और मैंने भाई को बोला कि मैं गाड़ी चला दूं, भाई ने बोला कि नहीं मैं चला लूँगा। ये हमारे शहर का बाईपास है और ये इस तरफ, और ये बस है जो हमारे गांव की तरफ जाती है। तो धुंध भी बहुत थी और सर्दी भी बहुत थी, मैंने भाई को बोला था कि अगर आपको सर्दी लग रही है कि फिर मैं बना लेता हूँ, आप मेरा ब्लॉग संभाल लें। भाई ने बोला नहीं नहीं आप अपना ब्लॉग बनाओ, मैं संभाल लूँगा। हम जा रहे थे तो अचानक गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमने 200 रुपये का और मज़ीद डलवा दिया, यार बहुत खाती है। फिर हमने ये गांव के पेट्रोल पंप से हमने भरवा लिया, फिर हम पेट्रोल पंप से निकल गए और गांव में एंटर हो गए। तो हमने ये कुछ गांव के विज़िट करवाया आपको, ये कुछ अच्छी अच्छी इसलिए सर्दी बहुत लग रही थी, सूरज भी इतना अच्छा लग रहा था हमें, तो हमने ताला ले लिया घर पर लगाने के लिए, इसलिए पीछे कोई नहीं, ये भाई खड़ा हुआ था। और ये हमारी फाइनली मुर्गियां हैं जो ऐसे हाथ में आ नहीं रही थी, बहुत टाइम लगा रही थी और हमें वापसी शहर भी जाना था, तो इनको कुछ लालच देके हम इनको सबको बांध देते हैं। तो सबको हमने बांध दिया अच्छी तरह से और फिर हमने सबको एक जगह कर लिया, इसलिए बहुत तंग किया था इन सारे मुर्गियों के, 2 से 2.5 घंटे लगे थे। आप मेरे फेस देख सकते हो कि इन्होंने कितना तंग किया होगा। ये सारी मुर्गियाँ, ये बच्चा, ये मैं, ये भाई और हम चलते हैं। मेरे कहने के मुताबिक तो बाइक मैंने चला ली, भाई पीछे बैठ के, सर्दी और हवा बहुत थी तो मैंने अपने पूरे फेस को कवर कर लिया। तो फाइनली हम पहुंच गए शहर, हम अपने दुकान पे पहुंच गए, इसलिए देर बहुत हो गई थी, तो फाइनली मैं अपने दुकान पे खोल दिया। यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, जिसने किंग व्लॉग ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। अल्लाह हाफिज़।